दोस्तों आज की इस वीडियो पे आप सभी को मोटर के बारे में जो बड़ा डिफरेंस होता है वो पता चल जाएगा, और साथ ही साथ आपको डिफरेंस पता चलेगा किर्लोस्कर का छोटू स्टार और जल्लाज के बीच में कि कौन सा मोटर हमें कब लगवाना चाहिए। तो चलो उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं किर्लोस्कर के छोटू स्टार के बारे में कि छोटू स्टार हमें कब लगवाना चाहिए। देखो आज के इस वीडियो पे छोटू स्टार हो चाहे जल्लाज हो, इन दोनों के बारे में हम एक हाथ पावर की मोटर की बात कर रहे हैं। देखिए छोटू स्टार और जल्लाज इन दोनों में आधा हाथ पावर में भी आता है, तो जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एक हाथ पावर के बारे में जानते हैं जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो छोटू स्टार का एक हाथ पावर मोटर किर्लोस्कर का जो मॉडल है, ठीक है, इसको हमें कब लगवाना चाहिए। देखो मोटर लगवाने से पहले, जब भी आप मोटर खरीदने जा रहे हो उससे पहले आपको अपने घर पर ही देखना होता है। घर पर क्या देखना होता है, घर पर जो नल की बोरिंग होती है उसको देखना होता है कि जैसे कि मैं अपना एरिया बताऊं तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर मैं रहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 150 फुट से ज़्यादा बोरिंग नहीं होती है, ठीक है। किसी किसी गाँव में, जैसे अभी ये टाउन है, ठीक है, अगर आप थोड़े दूर गाँव में चले जाओगे तो वहाँ कहीं कोई कोई ऐसे गाँव है जहाँ पर 200-250 फुट है, बाकी उससे ज़्यादा तो कहीं है ही नहीं। और अगर आप अर्बन एरिया से, ठीक है, थोड़े से सिटी से आ रहे हो, टीयर 2 टीयर 1 से हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा पानी होता है, 500-600 फुट, 1000-1000 फुट लोग गहराई करवाते हैं, तो उसके लिए तो बात नहीं करो। लेकिन आपकी अगर नल की बोरिंग 40-50-60 के अंदर है, ठीक है, तो आप किर्लोस्कर का छोटू स्टार लगवा सकते हो। इसमें आप 2 मंजिला तक, 3 मंजिला तक पानी आप आराम से लेकर जा सकते हो। हाँ, 3 पानी में हो सकता है जो पानी वो पूरे प्रेशर के साथ शायद ना आए, ठीक है, लेकिन एक मोटर और है जो एकदम प्रेशर के साथ आएगा। अगर आपके नल की बोरिंग 50-60-70-80 तक भी है तो आप किर्लोस्कर का जल्लाज लगवा सकते हो एक हाथ और में। आप 3 मंजिले में लेके जाओ, 4 मंजिले में लेके जाओ, फुल प्रेशर के साथ पानी आपका पहुंचेगा आपके 4 मंजिले तक। तो ये दोनों मोटर के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है कि अगर आपका जो बोरिंग है वो 60 के अंदर है तो आपको छोटू स्टार ही लगवाना चाहिए एक हाथ पावर वाला, और अगर 60 से ऊपर 80 के अंदर या 90 तक है तो आप जल्लाज लगवा सकते हो, ठीक है। अब अगर 80 से ऊपर है, 90 है, 100 है, 110 है, कौन सा मोटर लगवाएं, तो उसके बारे में अभी जल्दी वीडियो आने वाली है। ये थोड़ा सा कंपैरिजन वीडियो था। अब अगर आप सभी को प्राइस जानना है कि कौन सी कंपनी बढ़िया होती है, किसका कितना प्राइस है, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। ये वरुणा का है और ये किर्लोस्कर का है। इन दोनों वीडियो जाकर देख लो, आपको कुछ बेसिक फीचर भी पता चल जाएंगे और इनका प्राइस भी पता चल जाएगा, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, कौन सी कंपनी आपको खरीदना चाहिए। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हो तो आपका एक फ़ायदा होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो मुझसे, डायरेक्ट आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हो, और विद इन 1 or 2 hours के अंदर आपको रिप्लाई भी मिल जाता है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक कर दो एक बार जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ सच में ये वीडियो आपकी मदद आई है, काफ़ी काम आई कि नहीं आई। बाकी और सारी चीज़ें तो ठीक है, अगर कोई मोटर बढ़िया कंपनी का है और आपने अपनी नल की बोरिंग देखी हुई है और सही मोटर लगवाया है उस बोरिंग के हिसाब से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। हाँ, जब तक कंपनी उसकी सही ना हो, अगर कंपनी ख़राब होगी तब तो वो मोटर, चाहे नल की बोरिंग आपने सही देखा हो, लेकिन अगर आपने मोटर गलत चूज़ कर लिया तो फिर बेकार हो जाएगा। तो बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, और भी कोई टॉपिक वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में बता देना।